हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और आप इन सवालों से अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस सवाल में कहा गया है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 अपॉन जो विक्रय मूल्य की वस्तु होती हैं उन्हें हम नीचे लिखते हैं, इनटू 100 करेंगे परसेंट बनाने के लिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 अपॉन 9 इंटू 100। 100 में डिवाइड करेंगे 9 का तो आ जाएगा 11 से अपॉन इतना परसेंट। जब भी ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो तो आप फॉर्मूला याद रखें, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100% बनाने के लिए ये आप फॉर्मूला याद रखें। मान लीजिए उसने कहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो जो जो विक्रय मूल्य दिया होता है उसे हम 12 को नीचे लिखाएंगे, तो 4 अपॉन 12 इंटू 100 हो जाएगा। इसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इतना अपॉन 3, 33/1/3% ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए उसने कहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 लिख दिया, ये 2 बचा, ये 8 हो गया इंटू 100, ये 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25%। मान लीजिए उसने कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 है, तो इसे हानि होगी। जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा इसका मतलब है हानि होगी। अब 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 2/12 इंटू 100, इसे डिवाइड करेंगे तो 100/6 को हम इसे काट लेंगे। जब भी अगर ए बड़ा है, वस्तुओं का क्रय मूल्य छोटा है वस्तुओं के विक्रय मूल्य से, तो हमें हानि होगी, हमें क्रय ए वस्तुओं का क्रय मूल्य में से बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें माइनस करना है। अगर प्लस का आ रहा है तो लाभ होगा, और माइनस का आ रहा है तो हानि होगी, प्रॉफिट होगा प्लस का आएगा, और माइनस का आएगा तो लॉस होगा, माइनस का आएगा तो लॉस होगा, माइनस का आएगा तो लॉस होगा। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।